खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। शाहबाद में केंद्र सरकार से आदेश मिलने के बाद जिला प्रशासन भी सख्त हो गया है। अपने घरों के लिए लौटने वाले प्रवासी मजदूरों और कामगारों के ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं इस कड़ी में कुरुक्षेत्र उपायुक्त धीरेन्द्र खटगटा और पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी ने शाहबाद मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर के लंगर हॉल का दौरा किया। इन सभी प्रवासी लोगों के ठहरने की व्यवस्था शाहबाद मार्कंडेश्वर मंदिर के लंगर हॉल में ही की जा रही है। उपायुक्त धीरेन्द्र खटगटा ने कहा कि लॉकडाउन के बाद भी कुरुक्षेत्र जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले सभी प्रवासी कामगारों के लिए क्षेत्रों में ही ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। कुरुक्षेत्र उपायुक्त ने कहा कि जो प्रवासी लोग लॉकडाउन के चलते अपने घरों के लिए निकले हैं, वे जहां भी हैं वहीं रुक जाएं और उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन, धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं द्वारा करवाई जाएगी। दूसरे राज्यों से आए हजारों लोग कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन से प्रभावित हुए हैं, ये लोग कब तक अपने घरों से दूर रहेंगे, ये फैसला सरकार के अगले आदेश आने के बाद ही होगा। तब तक इन लोगों को यहीं रहना होगा। कुरुक्षेत्र से भारत साबरी की रिपोर्ट। आप सब जानते हैं जैसे कि हरियाणा बल्कि पूरे इंडिया में कोविड के अंदर जो अपने कोरोना वायरस के कारण से लॉकडाउन का हुआ है, लेकिन कुछ अभी दो चार दिन से देखने में आया कि जो जनता है वो अपने घर जाने की इच्छुक है, तो उसके चक्कर में क्या हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा रश हो गया है, जिसको कि अब ये डायरेक्शंस हैं कि इनको जहाँ है वहीं पर रोका जाए और हमने इनकी व्यवस्था करवा रहे हैं और जहाँ जहाँ पर ये रुके हुए वहीं पर इनका खाने पीने का रहने का सारा सामाजिक संस्थाओं के द्वारा किया है, प्रशासन के द्वारा सरकार के द्वारा भी इनके ऊपर वो फंड्स दिए गए हैं ताकि इनकी व्यवस्था कीजिए ताकि इनका ध्यान रखा जा सके और इनको कोई दिक्कत ना हो।